क्वेश्चन नंबर 5 आज हम जरूर करेंगे क्योंकि एक नई चीज भी समझनी है, और फिर 6वां क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दूंगा, और फिर अगली क्लास है 7वां कराऊंगा और होमवर्क देख लूंगा। इस तरह से हमारा 4-5 क्लासेस में काम हो जाएगा, और पेपर में यही 20 में से आना कुछ आना। तो इससे ज्यादा जो जून वाले एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल कर लीजिए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर देखिए क्या लिखा है, कंसेप्ट 17। मैंने जबकि 11 ही लिखवाए अभी तक आपको, सॉरी क्या लिखा है, कंसेप्ट 14-16 आपने अभी 11 तक लिखे हैं, ठीक है। तो पहले एक बार कंसेप्ट नंबर 12 लिख ले, छोटा सा 13 में लिख ले, ठीक है। फिर एक ही कंसेप्ट लिखना है, आज ज्यादा लिखने का काम ही नहीं था, अच्छी बात है। अब जो बच्चे नहीं आए वो देख लें, 13 कंसेप्ट लिख चुके हैं। जय माता दी, ए मां आज वैसे दिन भी बहुत अच्छा है, गणेश चतुर्थी का दिन है आज, पता आपको बहुत अच्छा दिन है, और आज से ही हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू किए हैं, तो सोच लीजिए कितना शुभ दिन है। अब आपका सब काम बढ़िया होने वाला है, और पेपर में इस बार तो 100% आप अच्छे नंबर लेंगे, क्योंकि आज से हमने प्रैक्टिकल शुरू किए हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। चलिए कंसेप्ट 13 तक लिख चुके हैं आप, अच्छा सारे नहीं लिखे कंसेप्ट 13 के, दो ही लिखे थे। पहले समझ आ गए थे, नहीं आ गए थे वो अपडेटर्स, अब पहले चलिए कोई नहीं, फिर यहां से लिख लीजिए, फिर अभी देखते हैं। कंसेप्ट 14 से शुरू करते हैं, कंसेप्ट 14 आप भी लिखिए, आप अपने घर में बैठे मुझे देख रहे हैं, लेकिन आप भी लिखें, क्योंकि खाली देखने से कुछ नहीं होने वाला, करने से होने वाला है, करिए, करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द वुमेन ऑल्सो परफेक्ट, प्लीज डू प्रैक्टिस। कंसेप्ट 14 लिखिए, लेक्चर 2 चल रहा है इस समय। जिन खोजा तिन पाया, जिसने खोजने की कोशिश की उसको मिले भी, जिसने कुछ पाने की कोशिश की उसको मिले भी वो चीज। अब आपके अंदर कितना पागलपन है उस चीज को पाने का, उस पर डिपेंड करता है। इच्छा तो सबके अंदर है, आपके अंदर कि अच्छी सी गाड़ी हो, अच्छा सा बंगला हो, अच्छी सी कंपनी हो, अच्छे से स्पाउस हो, सब आपके अंदर इच्छा है, मुझे पता है। लेकिन कुछ के अंदर ना बर्निंग इच्छा है, उनका जल्दी होगा, बर्निंग डिजायर, नशा पागलपन का, कि बस ये चाहिए अभी अभी चाहिए अभी अभी अभी। अभी ये कैश कॉस्ट क्या है मैंने बताया नहीं है, कोई टेंशन मत लीजिए, खाली अभी लिख लीजिए, अभी समझ आने का काम अभी शुरू करेंगे। लिख लीजिए सभी ने, हाँ लिख लीजिए, कोई नहीं। कैश कॉस्ट अप्रोच और टोटैलिटी दो अप्रोचेज होती हैं, अभी समझाता हूं। अभी जो किया है हमने वो टोटैलिटी अप्रोच किया है, एक क्वेश्चन करना ज्यादा कोई काम नहीं है, आराम से 3.5 तक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आगे चले,
लिख लिया जी, नॉन कैश एक्सपेंस लिख लिया सभी ने। इसमें एक ही चीज लिखी है मैंने, डेप्रिसिएशन। आपको पता भी है, फिर मैं अभी बताऊंगा। नॉन कैश एक्सपेंस की एक एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, और दूसरी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। जबकि एंट्री की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आपको समझ आ रहा है इसलिए मैंने कहा एक एंट्री लिख लीजिए। और डेप्रिसिएशन को निकालने के तीन चार तरीके होते हैं। पहला तरीका स्ट्रेट लाइन मेथड, TWDB, सम ऑफ योर डिजिट मेथड, बस यही है और कुछ नहीं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम तीन मेथड्स का ज्यादा प्रयोग करेंगे जब भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे। एक स्ट्रेट लाइन, दूसरा WDV और तीसरा रिड्यूसिंग बैलेंस, सम ऑफ योर डिजिट मेथड। क्या कंसेप्ट नंबर 15 लिख लिया है? क्योंकि ये कंसेप्ट 14 से 16 तक का है। अब 16 भी एक छोटा सा है, फिर ये क्वेश्चन करेंगे छुट्टी है। आप मेरे साथ हैं? कंसेप्ट 16, हेडिंग लिख दीजिए कैश कॉस्ट एस्टिमेशन। कैश कॉस्ट एस्टिमेशन, कैश कॉस्ट एस्टिमेशन। वर्क इन प्रोग्रेस विल बी एस्टिमेटेड ऑन दिस। जो भी लिख रहे हैं आप मानिए जर्मन लैंग्वेज लिख रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, यहां तक लिख लिया। अब एक चीज बतानी है, WIP इसमें तो फिनिश गुड्स किसमें? फिनिश गुड्स विल बी एस्टिमेटेड ऑन कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये लास्ट है।
अब देखिए जी, आपने 16 कॉन्सेप्ट लिख लिए, ठीक है ना। अब 14 से 16 तक मैं एक क्वेश्चन में अभी करा रहा हूं, ठीक है। आपको समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है और आप क्या करना चाह रहे हैं। फिर इसी में ज्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो आपके पास एक किताब और भी है, पहले आप इस किताब को खत्म करेंगे, ठीक है। शुरू करूं? अच्छा, आपको ये पता है लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म कौन सी है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जी, लास्ट डेट की इंतजार मत कीजिएगा कि लास्ट डेट आएगी तो करेंगे। आप प्लीज अपना जरूर कंप्लीट कर दीजिए। तो कितने बच्चों ने फॉर्म भर दिए? बहुत बढ़िया। बाकी जो बच्चे हैं जल्दी से डिसाइड कर लें, वैसे भी गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो गई है, जो सोचना है फटाफट सोच साच के, अच्छे दिन है इन्हीं दिनों में कर दो। आगे कुछ दिन अभी ठीक नहीं आएंगे, फिर नवरात्रे आएंगे, तो अभी भर दीजिए इसी गणेश चतुर्थी के इन दिनों में। जो भरना है आपने, जो सोचना है सोच साच के, भगवान जी के सामने या पर्ची डाल लीजिए, भगवान को कहिए कौन सी पर्ची है। वैसे आपको खुद सोचना है कितने ग्रुप देने हैं, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, लेकिन इन एक दो दिनों में भर दो। फिर मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में जब नवरात्रे आएंगे तो आपको कुछ पेन खरीदने हैं, वो मैं बताऊंगा क्या करना है, वो सब बातें तब की तब करेंगे, अभी नहीं कर रहे। अभी जो कह रहे हैं वो करें बस। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है इस समय, बस यही लास्ट क्वेश्चन है जी। आपकी घड़ी में कितना टाइम हो गया? जितना भी हुआ है इस क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट लगने, ज्यादा लगने भी नहीं है, लंबे से लंबे समय भी 10 से 15 मिनट लगेंगे। इसके बाद कुछ कराना नहीं है, पूरी छुट्टी है, पूरी छुट्टी, पूरी छुट्टी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की हेडिंग देखो क्या लिखी हुई है, कैश कॉस्ट। हेडिंग क्या लिखी हुई है? कैश कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। पहले 4 क्वेश्चनों में एस्टिमेशन दी, इसमें कुछ अलग एस्टिमेशन है, देखेंगे। कॉस्ट शीट इज गिवन टू यू, रॉ मटेरियल 50 रुपीज, डायरेक्ट लेबर 20 रुपीज, ओवरहेड्स को अंडरलाइन कर दीजिए, ओवरहेड्स में ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन 10 रुपीज। ये नया मेहमान आया आपके घर, इसका ध्यान रखना है। अभी देखें, डेप्रिसिएशन 10 रुपीज, टोटल 40 रुपीज है। ओवरहेड्स अगर नेचर ना दिया जाए तो आप फैक्ट्री ओवरहेड मानेंगे, ये बात तो आपको पता ही है, खून खून में बस चुके, अंदर कण कण में जा चुकी है। टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, इंफॉर्मेशन, एवरेज रॉ मटेरियल इज फॉर 1 मंथ, अंडरलाइन कर दीजिए 1 मंथ को, खाली 1 महीने को अंडरलाइन करो, कुछ बच्चों को तो दिखाई नहीं अभी तक, 1 महीना अंडरलाइन करिए। वर्क इन प्रोग्रेस आधा महीना अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, हाईलाइटर से अलग अलग रंग लगाने चाहिए आपको उसमें। क्रेडिट अलाउड टू सप्लायर्स, बाय सप्लायर्स 1 मंथ अंडरलाइन करिए। क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स 1 मंथ अंडरलाइन करिए। वेजेस 10 डेज अंडरलाइन करिए, 10 डेज। ओवरहेड्स 30 डेज। 25% ऑफ सेल्स आर कैश, अंडरलाइन कर दीजिए 25 और कैश। कैश बैलेंस 1 लाख, फिनिश गुड्स 1 मंथ। अगले पेज में आ जाइए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल नीडेड, अंडरलाइन कर दीजिए वर्किंग कैपिटल नीडेड, एक्टिविटी लेवल ऑफ 50,000 यूनिट्स। प्रोडक्शन इज कैरियड ऑन इवनली, हमेशा प्रोडक्शन इवनली होती है, ये हमें पता ही है। स्टेट योर अजम्पशन, अंडरलाइन कर दीजिए अजम्पशंस को अपनी स्टेट करें। क्वेश्चन पढ़ लिए, एक बार दोबारा पढ़ना पढ़ लीजिए क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, जिन्होंने पढ़ लिया, ऐसी महान आत्माएं मेरे सामने, महान आत्माएं बैठी हैं, क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे वर्किंग नोट 1 में। अगर क्वेश्चन पढ़ लिया हो
तो कौशल बनाना शुरू कर देंगी। महान आत्माएं, आत्मा परमात्मा, गजनी धर्मात्मा, पूरा लेना है अभी तो। हाँ जी, आप ये बताइए वैसे डेप्रिसिएशन ज्यादा कहाँ होती है? वैसे तो डेप्रिसिएशन ऑफिस के एसेट्स में भी होती है, डेप्रिसिएशन सेल्स के एसेट्स में भी होती है, लेकिन ज्यादातर कहाँ होती है? फैक्ट्री में होती है, क्योंकि मशीनें, तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट लेना है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप बनाइए कॉस्ट शीट ऑफ अ कंपनी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, $50,000 × 250, 25 lakh। डायरेक्ट लेबर, $10 lakh। $35 lakh प्राइम कॉस्ट, आ गया जी सभी का? फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब देखिए जी फैक्ट्री ओवरहेड्स में मैं दो पार्ट्स लिख रहा हूं, एक तो लिख रहा हूं कैश फैक्ट्री ओवरहेड्स और एक मैं लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन। $15 lakh और $5 lakh, तो टोटल आ गया जी $55 lakh। इसका नाम डाल दिया मैंने ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, हाँ जी 55 lakh तक समझ आ गए? मैंने अभी तक डेप्रिसिएशन, अच्छा कॉस्ट शीट में तो सारी कॉस्ट ही लिखते हैं, उसमें क्या हो गया? उसमें कोई मेथड थोड़ी है, कॉस्ट शीट को तो एक ही मेथड होता है, वो तो वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने के 2-3 तरीके हैं ना, वो अभी देखते हैं। आइए आगे आयो, 55 lakh रुपए, यही मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यही मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है और 65 lakh रुपए सेल्स है। शुरू कर दो मेरे बेटे, शुरू कर दो ना बेटे, आखिरी तो है ना बात, कर दो ना, करो हिम्मत, पास हो जाओ ना बेटे, अब तो जल्दी कर दो ना। सेल्स आ गया जी 65 lakh, यहां तक कोई दिक्कत?
ये तो वैसे भी वर्किंग नोट है, अगर आपने थोड़ा बहुत आगे पीछे तभी कोई दिक्कत नहीं है, टोटल तो यही आ रहे हैं ना सबके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभी मैंने आपको कहना है कि आप वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करना शुरू करें और हिम्मत रखें, मेन सॉल्यूशन में हेडिंग लिखे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। फंड्स ब्लॉक्ड इन करंट एसेट्स, फंड्स ब्लॉक्ड इन करंट एसेट्स। पहली साइकिल देखिए, रॉ मेटेरियल की लिखी हुई है, चल शुरू हो जा, लगा चक्कर, रॉ मेटेरियल 1/12। बताओ इसकी मोहब्बत किसके साथ है, रॉ मेटेरियल की मोहब्बत किसके साथ है? रॉ मेटेरियल कंज्यूम के साथ। तो करिए जरा 1/12 या 25 लाख, चेक करिए कितनी फिगर्स आ रही हैं। तो आप जल्दी जल्दी चलाना है, हल्की 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 हल्की, धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है, ओले ओले, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, तो थोड़ी स्पीड अप बढ़नी चाहिए आपकी, बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ेगी, टेंशन नहीं है, जब धीरे धीरे करेंगे अपने आप बढ़ जाएगी। कुछ चीजें सोचनी नहीं होती, हो जाती हैं, अपने आप ही हो जाएंगी। पहले बताओ रॉ मटेरियल हो गया, नेक्स्ट साइकिल देखिए जी, नेक्स्ट साइकिल मटेरियल इन प्रोग्रेस इज फॉर हाफ मंथ। अब जुगाड़ आ गया, जुगाड़ करना है, जुगाड़ वर्किंग नोट बनाइए, जुगाड़ कीजिए, WIP आ गया, जुगाड़ करिए, वर्किंग नोट नंबर 4, वर्क इन प्रोग्रेस, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री, फैक्ट्री का संधि निषेध कर दीजिए, उसने कहा है अज्यूम करो कुछ भी, वैसे आप इसमें 100, 50, 50 भी अज्यूम कर सकते हैं, मैंने वैसे अजम्पशन कुछ और लिखी है, देखना जरा नोट 1 में एक अजम्पशन कुछ और लिख दिए, क्या अजम्पशन लिखी है, जान के मैं एक चीज बताना चाहता था कि मैंने इसमें जान के 100% ही ले लिया, वैसे आप 100, 50, 50 ले सकते हैं, अजम्पशन है कुछ भी ले लीजिए। तो मैं अगर 100, 100, 100 ले रहा हूं तो इसको तो अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर तो, अगर मैं 100, 50, 50 लूं तब तो अलग अलग करना है ना मुझको। नहीं समझ आई भैया, समझ आई? जान के मैंने 100 लिया कि एक क्वेश्चन आपको 100 से करा देता हूं, ठीक है। तो बताइए फिर, तो आप बताइए फैक्ट्री कॉस्ट कितनी, आप बताइए फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, फैक्ट्री 55 लाख। आइए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 0.5/12 into 55 लाख। अब तो मैं डिग्री लिखी नहीं रहा 100/100, मैं नीचे अजम्पशन लिख दूंगा, मैंने सभी के लिए 100% ले लिया, अभी नीचे लिखवा दूंगा, वैसे इस क्वेश्चन में मैंने अजम्पशन लिखी हुई है 100 ले लिया, लिखी हुई है, अभी लिखवा दूंगा, वैसे 100, 50, 50 कब लेनी है अभी बता दूंगा, अभी बता रहा हूं 99% केसेस में मैं 100, 50, 50 लूंगा, खाली एक क्वेश्चन में 100 लिया है, खाली कुछ बताने के लिए, और कोई कारण नहीं है, ठीक है। तो जल्दी गुणा करिए और बताइए कितना आ गया, ठीक है। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स, ये कौन होते हैं, क्रेडिटर या डेटर? थर्ड पॉइंट पढ़िए, थर्ड पॉइंट, क्रेडिटर या डेटर? क्रेडिटर होते हैं, उन्होंने हमें सप्लाई किया है ना, हम अलाउ करते हैं, वो हमें सप्लाई करते हैं। तो बोलो क्या सबको समझ आ रहा है क्रेडिटर्स? अभी यहां छोड़ दीजिए, पहले करंट लायबिलिटी में आ जाइए, जैसे जैसे चीज दी होगी वैसे वैसे करेंगे, आगे पीछे कुछ नहीं करना। करंट लायबिलिटीज, आइए मेहरबान कदरदान, कर दो थोड़ी हिम्मत, मेहरबान कदरदान क्रेडिटर्स 1/12,
अच्छा क्रेडिटर्स किससे रिलेट करते हैं? परचेजेस से, परचेजेस से, क्रेडिटर परचेजेस से रिलेट करते हैं। अच्छा परचेजेस ना दी जाए तो कंज्यूम्ड के बराबर लेना होता है। क्यों? क्योंकि कंज्यूम्ड कैसे आया होगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अच्छा ओपनिंग और क्लोजिंग में ना दी जाए तो ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर ले लेते हैं तो परचेजिंग और कंज्यूम बराबर होते हैं। देखिए कोई रट्टा शुरू नहीं करना, आपको लॉजिक बता रहा हूं कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, रटना वटना कुछ नहीं। आइए 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 परचेजेस बताइए, बोलिए। चलिए लिख दिया, क्रेडिटर्स लिख लिया। देखिए मैं कर कैसे रहा हूं, एक एक पॉइंट पढ़ रहा हूं, करता जा रहा हूं, मैं आपके सामने खुद अपने हाथों से कर रहा हूं, आपने भी ऐसे ही करना है पेपर में। चलिए कोई बात नहीं, हिम्मत रखनी है, हिम्मत रखनी है, जिसने हिम्मत रखी है उसको सब कुछ मिला है। आइए आइए, क्रेडिट अलाउ टू डेटर्स, सब्र का फल मीठा होता है, सच में मीठा होता है। थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए फिनिश गुड्स की, मैं नीचे लिखे हूं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स वन मंथ, एक बटा बारह ऑफ, बताइए सेल्स कितनी है, 406। लो जी सेल्स कितनी है, सेल्स मुझे नहीं पता, आप देखिए सेल्स कितनी है, मैं कॉस्ट शीट निकाल देता हूं, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. क्या कह रहे हैं? अच्छा ओहो ओहो हरे राम, देखो कितनी भारी गलती कर गया मैं। यहां पर आपको दिया हुआ कैश सेल्स कितनी है, इसका मतलब क्रेडिट सेल्स कितनी होंगी, 75%। देखो नीचे लिखा हुआ, ऐसे होती गलतियां, देखो मेरे से भी गलती हो गई। क्रेडिट सेल्स आपको 75% दी हुई है, देख लो नीचे भाइयों और बहनों, अगर वो पॉइंट ना लिखा होता तो मैं 100% सेल्स को क्रेडिट मानता, मैं मानती कि वो 100% होती, बट नीचे मेंशन होती कि 25% कैश सेल्स होती, इसका मतलब उधार 75% देती, तो 65 लाख का 75% करती और फिर 1/12 करती, तो दीपिका पादुकोण जैसे चेन्नई एक्सप्रेस में जाती, बताती कितना आती, हाँ गुणा करती 406, 4,06,250 आती। अब मैं आगे से ध्यान रखती कि कैश सेल्स होती तो ध्यान रखती गुणा करने से पहले, आप भी ध्यान रखती। अगले पॉइंट में चलती, एवरेज टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 10 डेज, 10 दिन। अब दिनों का चक्कर आ गया, अगर 15 दिन होते तो मैं आधा महीना ले लेता, अब आधा महीना नहीं ले सकता तो मुझे डेज तो मानने पड़ेंगे। अच्छा गिवन है तो फिर तो 360 दिया हुआ है, चलिए 360 ले, अच्छा है। आइए आइए आउटस्टैंडिंग वेजेस, मैं उधार में दे रहा हूं तो 10/360 × बताइए जी टोटल वेजेस कितनी होती, टोटल लेबर कितनी होती, 10 लाख होती, तो बताइए गुणा करती, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स भी लेती, अब रुकती और यहां तक रुक लिखकर छोड़ दी, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स मैंने लिखती, आप बताइए आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, जो मुझे पे करना था नहीं किया, ये तो मतलब होता आउटस्टैंडिंग का, मुझे सैलरी देनी थी नहीं दी। अच्छा जो चीज मुझे देनी नहीं थी कैश में वो क्या कभी आउटस्टैंडिंग हो सकती है? नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, मैंने कहा डेप्रिसिएशन मुझे देनी नहीं थी कैश में। अच्छा डेप्रिसिएशन का कैश में देते क्या? अच्छा डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो एसेट में यूज कर रहा हूं उसकी टूट फूट होती जा रही है, उसकी ऑब्सोलेंस का लॉस हो रहा है, तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ खर्चे मिलने चाहिए क्योंकि वो कैपिटल एसेट है, मैं डेबिट तो कर नहीं सकता, तो उसके ऊपर जितनी टूट फूट हुई है मुझे डेबिट हो जाए,
जबकि एसेट थोड़ी खरीदते बार बार, वो तो खरीद चुके हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं डेप्रिसिएशन कभी भी आउटस्टैंडिंग नहीं होगी। क्या कभी सुना डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग? मैंने तो नहीं सुना, मैंने तो लंदन के कोर्स किए, अमेरिका के किए, मैंने तो नहीं सुना। एक भाई साहब कहते शायद सुना है, किसने सुना है जरा बताओ, डंडा लगाऊंगा। किसने सुना है, किसने सुना है, बोलो भाई साहब। डेप्रिसिएशन कभी आउटस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती कभी नहीं हो सकती। चलिए यहां बताइए आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स कितना लिखो, जल्दी बोलो ओवरहेड्स कितने लिखूं। अब कॉस्ट शीट देखो, आप कॉस्ट शीट देखो, ये रही कॉस्ट शीट, ये रही ना, ये रही ना, कहां पे हो तुम, ये हो ना। 15 लाख तो कैश फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं और 5 लाख के अच्छा आउटस्टैंडिंग कितने होंगे, 15, 5 या 20। आ जाओ देखा डंडे का कमाल, ये होता है डंडे का कमाल, आंसर आना लग जाता है। करो करो, जो बच्चे दूर बैठे हैं वो भी देख लें, ये डंडा है, ये डंडा मारता हूं मैं इनको यहां पर, तब ये पढ़ते हैं। ये देख रहे हो डंडा दिख रहा नहीं, ये डंडा है। हाँ चलिए 30/360 × 15 लाख बताइए जी, गुणा करके कितना आ गया, 1,25,000। बहुत बढ़िया, अब आपको एक बात समझ आ गई। वैसे डेप्रिसिएशन के बारे में अभी कुछ और भी बताना है, लेकिन आपको समझ आ गया है कि डेप्रिसिएशन कभी भी आउटस्टैंडिंग नहीं होती। चलिए आगे चलिए, लास्ट पॉइंट रह गया जी, कैश बैलेंस 1 लाख, कैश बैलेंस 1 लाख रुपए की जरूरत, 1 लाख। फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1/12, 1/12, 1/12, 1/12। जरा बताइए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, है जी 55। करो करो, ₹4,58,334। ठीक है, सब लिख दीजिए, सब लिखिए, सब लिखेंगे, सब करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सब करेंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, 25 फरवरी को अच्छे दिन आएंगे। टोटल कर दीजिए करंट एसेट्स, करंट एसेट्स को टोटल कर दीजिए, सभी बच्चे करेंगे, करंट एसेट्स को टोटल करेंगे, बोलो जी। टोटल ऑफ करेंट एसेट्स, अब लिखिए टोटल ऑफ करेंट लाइबिलिटीज, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, अति उत्तम। ये तो आंसर आप देखिए मैंने नीचे लिखा, आप ही क्या आपका चेक करिए, सीएस में 5 बार आ गया, आईसीडब्ल्यू की स्टडी में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय आप कर रहे हैं, लेकिन अभी ये क्वेश्चन में थोड़ी सी बात बाकी रह गई है तो मुझे बतानी है, अपने एक्सपर्ट कमेंट्स अभी बोल रहे हैं। पहले 10,40,973 तक सबका आ गया, गया। और 2 मिनट की बात रह गई भाई और बहनों, और आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको प्रेजेंटेशन मिलने वाली है। मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैडम को यहां पे बुलाया है जो अभी आपको 5-10 मिनट बताएंगे कि ट्रेनिंग अगर नहीं मिल रही तो ट्रेनिंग के साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ में बदलाव आ जाए। अभी पहले 10,40,973 तक आ गया क्या? अच्छा मैं आपसे कहता हूं लिखिए, इसका इंटरप्रिटेशन लिखिए, इट इंप्लाइज रुपीज 10 लाख
40,973 rupees will be required for smooth functioning of operating activities. Smooth functioning of operating activities. आप मेरी बात सुन रहे हैं? बस अब एक मिनट आप अपना टाइम ले लीजिए. बिल्कुल जो मैंने बोलना है बहुत इंपॉर्टेंट बोलना है. बोलो. रिलैक्स हो गए? ठीक है. रिलैक्स कर लिया? ढीला हो गए? ठीक है. अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको पता है कि आप सब आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं, फाइनेंस मैनेजर बनने वाले हैं. पता है ना आपको? अच्छा, जब आपकी कंपनी आपसे पूछेगी कि आपको वर्किंग कैपिटल एक तो एस्टिमेट करनी है और दूसरा काम क्या करना है, इसको फाइनेंस करवा के लेके आना है. लोग बैंक से पैसे लेकर आने हैं भैया, इसके लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है. फाइनेंस जनरली लोग कहां से कराते हैं? बैंक से करा लेते हैं. अच्छा, जब आप बैंक के पास जाएंगे ना तो आप इस शीट को दिखाएंगे. वहां बैंक पूछेगा, भैया आप ये बताओ 10,40,973 रुपए क्यों चाहिए आपको, कैसे निकाले? तो फिर आप क्या करोगे, आप उस बैंक को यही वाली पूरी स्टेटमेंट दिखा दोगे. ये स्टेटमेंट दिखाओगे, कॉस्ट शीट दिखाओगे, फिर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बता दोगे, ये सब निकाल के दिखा दोगे. ठीक है, सबने ध्यान से सुनना है. अभी नोट करना है, एक दो बात और नोट करें, एक दो मिनट रुकेंगे. जब आप ये स्टेटमेंट दिखा रहे होंगे तो बताइए, HDFC बैंक ने भी तो किसी ना किसी CA CS को अपॉइंट किया होगा. वो आपकी स्टेटमेंट चेक करेगा. वो पता है क्या करेगा, आपकी स्टेटमेंट में कुछ गलतियों की वजह से काटा मार देगा. इसका मतलब जो स्टेटमेंट आपने अभी तक बनाई है उसमें क्रॉस लगने वाला है अगर आपने 2-3 बातों का ध्यान नहीं दिया, प्रैक्टिकल लाइफ में भी और पेपर में भी. इसलिए अभी बैग बंद ना करें, ध्यान से देखेंगे. आपको पता है आपने वर्क इन प्रोग्रेस की जो कैलकुलेशन की है. अच्छा, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि आपके पैसे कितने ब्लॉक हो रहे हैं, ब्लॉकेज ऑफ फंड्स, यही मतलब होता है ना, कि आपके खुद के पूंजी कितनी ब्लॉक हो गई. अब आप देखिए आपने कहां पे गलती की है. जो फैक्ट्री, जो आपने WIP कैलकुलेट किया है वो ना आपने ना 55 लाख पे कैलकुलेट किया है, 55 लाख रुपए पे, 5555 चेक कर लीजिए. क्योंकि 55 लाख क्या था, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट थी. अच्छा, ये आई कैसे थी, इसमें ना 5 लाख रुपए की ना डेप्रिसिएशन भी है, देख लो. अच्छा ये बताओ, डेप्रिसिएशन खर्चा है या आपके फंड्स ब्लॉक हो रहे हैं उसमें? मुझे मतलब फंड्स तो ब्लॉक नहीं हो रहे ना. डेप्रिसिएशन क्या चीज होती है, नॉन कैश एक्सपेंस. पहले बताओ ये सब एग्री करते हैं या नहीं? मैंने कहा ये नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं. इसका मतलब आपने जो 55 लाख रुपए पे ये कैलकुलेशन की है एक्चुअली में ठीक नहीं की, क्योंकि इसमें 5 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन भी आ रही है और डेप्रिसिएशन में आपके पैसे ब्लॉक नहीं होते. आपके पैसे ब्लॉक कहां होते हैं, जो एक्चुअली में आपके पैसे लगे हो. इसका मतलब आपको ये कैलकुलेशन किस पे करनी चाहिए थी, 50 लाख पे. ये कैसे आया, ये देखो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं ये फिगर कैसे आई, ये फिगर्स कैसे आई. ये देखिए आप जरा ध्यान से, ये देखिए ये जो 5 लाख रुपए है ये आपने यहां पर ऐड तो कर दिया था क्योंकि कॉस्ट शीट ऐसी बनती है. लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 5 लाख रुपए आपने डेप्रिसिएशन की वजह से ऐड किए ये गलत किए. मतलब आपको यहां तो करने थे लेकिन वर्किंग कैपिटल में नहीं आने चाहिए थे क्योंकि आपके पैसे नहीं ब्लॉक हो रहे. दूसरी गलती पता कहां की आपने, एक गलती और की है. एक तो गलती यहां की है, गलती नंबर 1. दूसरी गलती यहां कर दी, फिनिश गुड्स को आपने 55 लाख पे दोबारा से वैल्यू कर दिया. अच्छा, 55 लाख टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें भी तो 5 लाख की डेप्रिसिएशन है. अच्छा, तीसरी गलती यहां कर दी डेटर्स में,
अच्छा डेटर्स में ना दो गलतियां कर दी, एक तो गलती कर दी कि आपने उसमें प्रॉफिट डाल दिया। देखिए आपने डेटर सेल्स में निकाली है, अच्छा सेल्स में प्रॉफिट भी है, अच्छा प्रॉफिट कोई आपकी ब्लॉकेज थोड़ी हो रही फंड्स की, वो तो मिल रहे हैं, और एक उसमें डेप्रिसिएशन भी है। अच्छा गलती ना तीन ही जगह होती है और कहीं होती नहीं, क्योंकि जहां जहां पर डेप्रिसिएशन होता है और जहां जहां पर प्रॉफिट होता है वहीं पर गलती होती है। आप मेरी बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? इसका मतलब आप एस्टिमेशन करते समय इस बात का जरूर ध्यान देंगे कि आपकी जो एस्टिमेशन है, एक तो वो दो तरह से हो सकती है, एक तो है जी टोटल कॉस्ट अप्रोच और दूसरी है जी कैश कॉस्ट अप्रोच। मैंने कहा जी दो तरह से आपकी एस्टिमेशन हो सकती है, एक टोटल कॉस्ट अप्रोच और एक कैश कॉस्ट अप्रोच। अच्छा टोटल कॉस्ट में जो किया बिल्कुल ठीक है, जो किया अभी ठीक है, बट अगर पेपर में आ गया कि कैश कॉस्ट से करो तो फिर ये गलत है जो किया। उसमें तीन जगह गलतियां की आपने, तीन जगह, एक जगह कहां किया मुंह से बोलो, सभी बच्चे बोलो, पहली गलती कहां की है, अच्छा दूसरी गलती कहां की है, अच्छा तीसरी गलती कहां की है, अच्छा WIP अभी तक जो निकाली आपने वो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट पे निकाली, एक्चुअली में निकाली पता कहां चाहिए थी, कैश फैक्ट्री कॉस्ट पे। अच्छा फिनिश गुड्स कहां निकालनी चाहिए थी, कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। अच्छा ये लिख चुके हैं आपने लिखना नहीं है। अच्छा डेटर्स किस पे निकालने चाहिए थे, कैश कॉस्ट ऑफ, अब देखिए WIP, ये इसका मतलब क्या है, ये कौन सा बच्चा बताएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट माइनस, अच्छा कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस, अच्छा कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है, सेल्स में से दो चीजें कम करेंगे, एक तो प्रॉफिट। आप मेरी बात समझ रहे, इसका मतलब एक तो गलती कहां होगी वो मैं बता रहा हूं, आप आगे एक बार एक मिनट लगेगा लिखिए, स्टेटमेंट शोइंग लिखिए एक मिनट के लिए, बैग खोलिए, एस्टिमेशन ऑफ नेटवर्किंग कैपिटल, आपने अभी तक जो कैलकुलेशन किया है वो ऐसे किया है। अब आप दो स्टेटमेंट इकट्ठी बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद आपने लिखा था WIP, फिर आपने लिखा था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिर आपने लिखा था क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, फिर आपने लिखा था एवरेज कैश बैलेंस। कसम होगी आपको अगर आपने दोबारा से बैग खोल के ना किया तो, बता रहा हूं आपको, बता दे कसम चढ़ा दी सबको, आगे आपकी मर्जी है, छह महीने का चक्कर है, विद्या माता की कसम चढ़ाई है मैंने। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, ये सब आप कर चुके हैं, अभी आपने किया ही था, मैंने जान के यहां पर टोटल कॉस्ट के बेसिस पे जो किया है और यहां पर नया नया कराऊंगा कैश कॉस्ट के बेसिस पे, बस आंसर आ जाएगा। एक मिनट की तो बात है, जल्दी कर रहे हो, एक मिनट की तो बात है, इतनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन आपको देखनी है, ट्रेनिंग कैसे मिले उसके लिए आज एक मुद्दा रखा हमने, 5-10 मिनट की प्रेजेंटेशन है, ट्रेनिंग कैसे मिले अभी आ रहे हैं उस पे। पहले बताइए आराम से, अच्छा ये तो आपने अभी अभी किया ही था, ये किया था कहां बताइए, हाय राम कॉपी पेस्ट मारते हैं, हाय राम हाय राम, ये था ना 208,334 229,167, ठीक है 208,334 229,167, मुझे पता आप मेरी मदद नहीं करोगे, कोई नहीं मैं दोबारा चले जाऊंगा उस शीट में, दोबारा नहीं जा सकता मैं 458,334, कोई नहीं बहुत देखें ना करो मैं खुद करूंगा, देखो एक तो आ गया मदद करने 458, ये कितना 33, हाँ अब बताओ डेटर्स बताओ, देखो है ना साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ बढ़ाना, कितनी अच्छी मैडम है, कितनी अच्छी मैडम है, उनको दिख रहा है कि मास्टर जो है 2.5 घंटे से बोलता है रहा, मैं कुछ तो मदद कर दूं इसकी, लेकिन आप सबके अंदर मन नहीं है, अंदर पता नहीं क्या घुसा हुआ है आपके अंदर। अच्छा टोटल करो, टोटल बताओ करंट एसेट का टोटल कितना है, 140, लो लो क्रेडिटर्स बता दो, कितनी अच्छी है मैडम, अब वो बोला ही बंद कर देंगे आप, हंसोगे तो, एक तो मदद करिए तो बोलेंगे नहीं, फिर तीसरा बोलिए
चलिए जी, 1,25,000 रुपए तक आ गए हैं यहाँ तक, आराम से आ जाइए, कोई टेंशन नहीं है, मुझे एक दो मिनट और चाहिए बस, खत्म हो गया काम। अब करंट लाइबिलिटीज आपने निकाल ली थी, कितनी थी? ठीक है, और इसके बाद आपने नेटवर्किंग कैपिटल निकाल लिया था। अब कैश कॉस्ट में और वर्क टोटेलिटी कॉस्ट में तीन ही जगह डिफरेंस आता है, इसलिए मैं जहां जहां डिफरेंस नहीं आता पहले वो तो लिख ही देता हूं, जहां जहां डिफरेंस आता है बस वही रहने दूंगा। देखो करंट लाइबिलिटीज में डिफरेंस नहीं आता, पहले भी ऐसी थी अभी भी ऐसी है, कोई डिफरेंस नहीं है जी, तीन जगह डिफरेंस है। आंटी नंबर वन, हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, लो तीन में डिफरेंस आएगा जी, WIP में, फिनिश गुड्स में, डेटर्स में, बस टोटैलिटी में करें या कैश कॉस्ट में करें डिफरेंस तीन में ही आता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, डिफरेंस अगर WIP में आता है तो अब आप WIP किस पे करेंगे? 50,00,000 पे, चलिए करिए, आइए एक सेकंड लगेगा, कितना था WIP? 0.5/12 इंटू 50,00,000, 100% तो लिया था, कितना आ रहा जी? देखो मेरे शेयरों ने पहले कर लिया, 2,08,334, 0.5/12 इंटू 50,00,000, 2,08,334। सबको समझ आ गया 50,00,000 क्यों लिए? अब आ जाइए फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स वन मंथ इंटू 50,00,000, 50,00,000। चांस की बात है ना, ऑफिस ओवरहेड्स नहीं है इसलिए 50,00,000 भी कर रहे हैं, बोलो लो। आप भी क्या याद करोगे किसी से पाला पड़ा था कैश कॉस्ट में? 4,16,667, समझ आ गए 50 पे क्यों कर रहे हैं, समझ आ गए? चलो लास्ट बता दो तो मैं मान जाऊंगा कि आपको समझ आ गया, अगर लास्ट ठीक बता दिया, डेटस का, क्योंकि उसमें दो चीजें कम करनी है। आप क्या करो, पहले सेल्स निकाल लो चुपके, चोरी, बताओ कितनी सेल्स है? सेल्स में से प्रॉफिट कम कर दो। अच्छा, अब ये आ गया 55, अच्छा इसमें से ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, इसमें से डेप्रिसिएशन कम कर दो। अब जो बच गया इसका क्या नाम है? कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स 50,00,000। मैं कहता हूं जी कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स 50,00,000 आ गया या? दो चीजें कम करते हैं डेटर्स में, एक प्रॉफिट और एक डेप्रिसिएशन। नहीं समझ आया तो फिर गुणा करके बताओ तो सही, आगे बची फिगर कितनी आई? हाँ 50,00,000, हाँ इंटू 75% मत करना भूलना भाई और बहनों, 75% करना मत भूलना, इंटू बोलो ना, बोलते भी तो नहीं हो, बोलो ना, ₹3,12,500। क्या सभी को डेटर्स समझ आ गए? मैंने दो चीजें लेस की हैं, खाली तीन ही जगह चेंजेस आएंगी, जरा मुंह से बोलना पहले किसमें आएंगे, सभी ने बोलना है पहले किसमें चेंज आएगा? अगर जो नहीं बोलेगा उसके पेपर अच्छे नहीं होंगे, पहले किसमें चेंज आएगा? देखो मैं आपको बोलो, दूसरा किसमें चेंज आएगा? हाँ तीसरा किसमें चेंज आएगा? देखो सब चाहते हैं पेपर अच्छे हो, है ना, तो जो मैं कह रहा हूं वो करते जाओ, पेपर ऐसे होंगे, ऐसे 95 भाई शायद इस बार 95, आपके 80 तो आ ही सकते हैं। चलिए 3,12,500 लिखिए और आंसर निकालिए, जल्दी करिए, आंसर दिया हुआ मैंने, यही आंसर है 8,84,723। करिए करंट एसेट का टोटल बताइए, कि करंट एसेट एट, कोई बात नहीं,
12 लाख मैं होता तो मैं ऐसे बोल, अब आपका मैनेजर डायरेक्टर आपसे पूछेगा आप बोला लिख दे 1 2 4 5 8 3 5, अब आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, आपने बोलना है 12,45,830, ऐसे अभी ज्यादा डाल लो। चलिए क्या सभी का आ गया? अच्छा मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपने हाँ या ना में उत्तर देना है। देवेंद्र जी बस आप आ जाइए क्लोज करने के लिए, और मैं आंसर आपसे पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं नेट वर्किंग कैपिटल एज पर कैश कॉस्ट। अच्छा बीच में किसी ने नहीं बोलना, एज पर कैश कॉस्ट वर्क, एज पर कैश कॉस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेट वर्किंग कैपिटल एज पर टोटल कॉस्ट, यस और नो? अभी अभी आपने दोनों ही किए, तो कैश कॉस्ट में हमेशा आपका जो नेट वर्किंग कैपिटल है क्या आता है? कम आता है। हाँ जी आंसर क्या है? नो लिखिए, नो लिखिए, नो लिखिए, तो होमवर्क लिख लें, आप होमवर्क लिख लें। चलिए होमवर्क में आपने थर्ड क्वेश्चन करना है, फोर्थ करना है और सिक्स करके आना है, और नेक्स्ट क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज मिस मत करें, आप बिल्कुल क्लाइमेक्स में पहुंचने वाले अगली बार। अभी तक हीरो हीरोइन मिले हैं, बात सब ठीक है, अभी विलन आ जाएगा अगली क्लास के अंदर, फिर देखना है कि हीरो हीरोइन कितनी देर तक बातें कर पाते हैं।